हूं आपके साथ सुमन पाल। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने के कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तलब किया है और इस संबंध में ही सिसोदिया को समन भेजा गया है। इसके साथ ही सीबीआई ने अधिकारियों के अनुसार कहा जा रहा है कि सिसोदिया को ही सोमवार सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है और वहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई और कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा गया और उसमें कुछ नहीं निकला और मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। इस साल अक्टूबर में भी आसमानी आफत का अंत नहीं हो रहा है। देश में जल्द ही ठंडक दस्तक देने वाली है और कुछ हिस्सों में तो गुलाबी ठंड का एहसास होने भी लगा है और यूपी में बारिश सबसे ज़्यादा तबाही मचा रही है। बिहार में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं बात कर लें मुंबई की तो मुंबई में बारिश से ही मुसीबत बढ़ सकती है और दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और बताते चलें कि पूरे देश में ही मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है और मौसम की विदाई के बाद भी आसमानी आफत से लोग हैरान और परेशान है। मौसम विभाग के कई राज्यों के लिए ही पूर्ण अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही नया चक्रवातीय दबाव केंद्र बन रहा है। अरब सागर में भी कर्नाटक और कोंकण तट के बाद ही नया चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते इस हफ्ते कुछ राज्यों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना भी जताई। बिहार के बक्सर जिले के डुमराव थाने के चौगाई के रहने वाले श्याम बिहारी सिंह पर 10 साल की उम्र में एक केस दर्ज हुआ था। यह केस साल 1969 में ही डुमराव के एक थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। उचित साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से ही न्यायालय ने श्याम बिहारी को रिहा कर दिया था और अब उनकी उम्र बताई जा रही है जो 53 साल हो चुकी है। और ताया जा रहा है ये भी कि जब केस दर्ज हुआ था तो श्याम बिहारी नाबालिग थे। उन्होंने लगभग 33 साल तक एक वयस्क के रूप में ये केस लड़ा और उनके खिलाफ 7 सितंबर को ही 1969 में ही एक दुकान में मारपीट करने, फायरिंग और हत्या के प्रयास के तहत ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अदालत में इस केस की सुनवाई लगभग 43 सालों तक चलती रही। हालांकि श्याम बिहारी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और इस केस की सुनवाई किशोर न्याय में ही परिषद में हो रही थी और इससे पहले यह मामला ACJM कोर्ट में रखा गया था, लेकिन 1 नवम्बर 2012 को ACJM द्रव्य के न्यायालय के स्थान त्रित होकर ही केस की सुनवाई किशोर न्याय परिषद में शुरू की गई थी। इस मामले में उनके खिलाफ उचित साक्ष्य नहीं होने की वजह से दोष जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया था और श्याम बिहारी ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास था और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन आखिर में उन्हें न्याय मिल ही गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस महिला कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि परिसर में आयोजित हुए दिवाली कार्यक्रम को देखने के लिए ही कुछ युवक कॉलेज की दीवारों और गेट पर चढ़ गए और अश्लील नारेबाजी करने लगे और वहीं इस घटना पर पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि इस मामले में ही कॉलेज प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। कॉलेज में जुड़े कर्मचारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित हुआ है। वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और दिल्ली के सबसे विख्यात कॉलेज में से एक मिरांडा हाउस में चल रहे दिवाली मेले में लड़के दीवार फांद कर जबरदस्ती ही घुस रहे हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं और इसके साथ ही शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और हम दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्रशासन को नोटिस भेज रहे हैं कि कैसे ये गुंडागर्दी हुई और क्या सुरक्षा प्रबंध किए। वही छात्राओं ने ट्वीट कर कॉलेज में ही हुई घटना के बारे में बताया है और एक छात्र ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कुछ युवक जबरन कॉलेज परिसर में घुस गए और अश्लील नारेबाजी करने लगे और वहीं अन्य छात्रा ने आरोप लगाया है कि रामजस कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने अश्लील नारेबाजी कर कहा है कि रामजस का नारा है मिरांडा पूरा हमारा।
हरियाणा के गुरुग्राम में नाइजीरियाई और भारतीय छात्रों के बीच हुई मारपीट के दो दिन बाद भी जीडी गोयनका का यूनिवर्सिटी परिसर में स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण रही है। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और नाइजीरियाई अधिकारियों ने भी दौरा किया है और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शुक्रवार को परिसर में आयोजित एक फुटबॉल मैच के दौरान दोनों पक्षों में हुई झड़प के बाद ही 6 छात्र घायल हुए थे और जिसके बाद से करीब 50 नाइजीरियाई छात्र ने भारतीय छात्रों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर यूनिवर्सिटी परिसर को अस्थायी रूप से ही छोड़ दिया है और इस मामले में स्थानीय छात्रों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमला करने का भी आरोप लगा दिया है। और जबकि आपको बता दें कि छात्रों ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग परिसर में घुसे और उनकी डंडों से पिटाई कर दी गई और झगड़े का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसे कथित रूप से इसी घटना का बताया जा रहा है और रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी नक्सली घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार नक्सली घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच अब नारायणपुर में ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों और नक्सलियों के बीच रविवार को मुठभेड़ हो गई और DRG को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नारायणपुर कांकेर जिले के बॉर्डर के देवगांव और हुचाडी के जंगलों में कुछ नक्सली इकट्ठा हुए हैं जिसके बाद वहां नक्सलियों के साथ पुलिस जवानों की मुठभेड़ हुई है। आधे घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस पार्टी को हावी होते हुए देख नक्सली मौके से भाग गए और इसके साथ ही घटनास्थल की सर्चिंग करने पर कई जगह खून के धब्बे के निशान मिलने पर ही पुलिस नक्सलियों का जो बड़ा नुकसान होने का दावा भी कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि SPP स्थानंत ने बताया है कि घटनास्थल से देसी DGN और पिट्ठू दवाइयां नक्सली साहित्य सहित दैनिक उपयोग की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई है। उन्होंने बताया है कि इस हमले में पुलिस ने सभी जवान सुरक्षित वापस लौटाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे थड़े की उम्मीदवार त्रुजा लटके को ही निविरोध जताने का रविवार को ही आह्वान किया। रमेश लटके ने निधन के कारण ही उपचुनाव कराना पड़ा है और रमेश की पत्नी त्रुजा लटके का ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मुरजी पटेल से है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज है। पवार ने रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नए सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का होगा। रमेश लटके की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और लटके पार्षद रहे थे फिर विधायक बने। उनके योगदान को ध्यान में रख जाना चाहिए और पवार ने यह भी कहा है कि उपचुनाव लड़ने के लिए बड़े प्रयास किए जाते हैं जिसकी आवश्यकता तब नहीं होती जब कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है। झारखंड के पूर्वी शिवभूम जिले में ही स्कूल छात्रा को ड्रेस उतारने के लिए मजबूर करने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपए दिए गए हैं। बता दें कि छात्रा ने ही कपड़े उतारने के लिए मजबूर किए जाने के बाद आत्मदाह का प्रयास किया था जिसका इलाज TMH में ही चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार देर शाम ही TMH पहुंचकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का हालचाल जाना है और इस दौरान ही मंत्री से पीड़िता की मां ने कहा है कि उन्हें पैसा नहीं इंसाफ चाहिए। मां ने कहा कि शिक्षिका के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं हो और इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस घटना पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरा इलाज होगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे रिम्स और वहां से एयरलिफ्ट कर एम्स भी ले जाएंगे और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि दोषी को किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जाएगा और साथ ही बच्ची का निःशुल्क और बेहतर इलाज होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।